नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया सही विकल्प चुनिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले है। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया है निर्देशांक होता है। तो निर्देशांक क्या होता है इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा द वाला इज राइट उत्तर हो जाएगा, सापेक्ष माप। इसके साथ ही आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प दिया है अंतर कोटि रीति देन है। तो किसकी है ये आपको बताना है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, दूसरे में हमारा ब वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध सदैव होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा तीसरे में हमारा ब वाला -1 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, प्रमाप विचलन की गणना सदैव की जाती है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में हमारा राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर द वाला उपोक्त में से कोई नहीं इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, 300, 310, 308, 210, 330 एवं 400 इनका विस्तार है। तो इनका विस्तार कितना होगा इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा स वाला 190 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, बार होता है। तो बार क्या होता है इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा स वाला उपरोक्त दोना इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन दो दिया है, क्वेश्चन दो में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य कथन बताना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला दिया माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है, तो ये हमारा हो जाएगा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है एक विमा चित्र में केवल ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है, तो जो हमारा दूसरा है ये भी हमारा सत्य हो जाएगा बिल्कुल। और तीसरा आपका दिया है प्रेशर का कीमत सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है, तो तीसरा आपका हो जाएगा पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पर वर्जन में ये पेपर आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही आपका चौथा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही एक निश्चित विज्ञान है। दोस्तों जहाँ पर प्राकृतिक है ये हमारा सामाजिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है प्राथमिक सम्यक मौलिक होते बिल्कुल होते हैं, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका छठा सही यहाँ पर सत्य सत्य देख लीजिएगा, विस्तार सभी आंकड़ों पर आधारित होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है प्रमाप विचलन गुणांक का क्या सूत्र है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है, सिग्मा बटे एक्स बार आपको लिखना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ है आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है द्वितीयक श्रेणी का माध्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है, इसका आंसर आपको स्वयं कर लेना है। इसके साथ है आपका तीसरा दिया है ससंबल गुणांक की सीमा क्या होती है, तो आप सभी को पता होगा क्या होती है, तो तीसरे में आपको लिखना -1 तथा +1 की सीमा। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा -1 तथा +1 की सीमा में। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा तीसरे क्वेश्चन में। और चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि दो चरों में सहसंबंध 0.95 है तो इसका अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना होगा। इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है उत्पादन में किसका सृजन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और आपका छठा देख लेगा वर्ग दो नियम किसने दिया, ये आपको बताना है। इसके साथ ही आपका सातवां दिया है परिमाप चित्र कौन से होते हैं, आपको बताना है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला दिया है मध्य मूल्य इक्वल टू पद्य की निम्न सीमा प्लस यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं लिखना आपको, इसमें लिखना आपको उच्च सीमा लिखना है। क्या लिखना है इसमें, पहले में आपको लिखना होगा उच्च सीमा, आपको यहाँ पर लिखना पहले खालतन में। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ है आपका दूसरा खालतन दिया P0 प्रदर्शित करता है खालतन वर्ष का मूल्य, तो दूसरे में आपको लिखना है आपका आधार, क्या लिखना आधार आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका तीसरा यहाँ पर खालतन दिया सहसंबंध तकनीक की खोज खालतन ने की थी, तो किसने की थी, तो तीसरे खालतन में आपको लिखना है ब्रावे, ब्रावे आपको लिखना होगा। ठीक है,
इसके साथ ही आपका चौथा खालतन दिया है, चतुर्थक विस्तार का सूत्र खालतन है। तो चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन, यहाँ पर अच्छे से लिखिए ठीक है, क्यू थ्री प्लस क्यू वन, ये आपको लिखना है चौथे क्वेश्चन में। इसके साथ ही आपका यहाँ पर पांचवा खालतन देख लिखा, प्रमा फिजलैंड का विचार खालतन ने दिया था, तो किसने दिया था, तो पांचवे का आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना है कार्ल पियर्सन, क्या लिखना है आपको पांचवे में, कार्ल पियर्सन आपको लिखना होगा ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका छेटा दिया है, तीन मध्य का माइनस दो माध्य इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर छेटे में आपको लिखना है, यहाँ पर बहुलक लिखना है, बहुलक अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका सातवां खालतन दिया है, समग्र में छोटी हुई इकाइयों को खालतन कहते हैं, इसका आंसर आपको स्वयं देख लेना है और क्वेश्चन फोर में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा में छः नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली, जैसे कि मैं आपको सही जोड़ी का मिलान बता देता हूँ, तो पहले में आपको पहले लगाना है ठीक है, दूसरे में आपको दूसरे लगाना है, तीसरे में आपको तीसरे लगाना है, चौथे में आपको चौथे लगाना है ठीक है, इसके साथ ही आपको पाँचवे में आपको पाँचवे लगाना है और छठे में आपको छठे लगाना है ठीक है। इसके साथ ही आपका देख लीजिएगा, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, कोई दस, आपको कोई दस के आप उत्तर देना है ठीक है। जैसे कि हमारा पहला दिया है वर्गीकरण का अर्थ बताइए, और दूसरा आपका दिया है चित्रलेख क्या है, और तीसरा आपका दिया है मध्यिका की परिभाषा आपको लिखना होगा, और चौथा आपका दिया है अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए एड्स स्मिथ के अनुसार, और पांचवा आपका दिया है विनिमय किसे कहते हैं। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ठीक है, यहाँ पर अगला देख लीजिएगा ठीक है, यहाँ पर दिया हमारा धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध में आपको अंतर बताना है। छठा आपका दिया है कार्ल पियर्सन के संबंध गुणांक के आपको तीन महत्व लिखना है ठीक है। और अगला देख लीजिएगा, सॉरी दोस्तों हमारे जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया था ठीक है, तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा जो हमारा दिया है अपकिरण किसे कहते हैं, सातवां आपका दिया चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं, वो आठवां आपका दिया सहसंबंध की आपको परिभाषा देना होगा, ये दो दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपकी परीक्षा में ठीक है। और नौवां आपका दिया निर्देशांक किसे कहते हैं, दसवां आपका दिया उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की आपको परिभाषा लिखना है, और ग्यारहवां आपका दिया उपभोग किसे कहते हैं, और बारहवां आपका दिया बहुलक की परिभाषा लिखी है ठीक है। तो आपको दस में सिर्फ आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर बारह में से आपको सिर्फ यहाँ पर दस के जवाब देना है ठीक है, जिससे आपके कितने बीस नंबर आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, लघु उत्तरी प्रश्न आपके दिए ठीक है, चार चार नंबर के, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका दिया है बहुलक के कोई तीन आपको दोष लिखना है, दूसरा आपका दिया अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में कोई तीन तक आपको लिखना है, और तीसरा आपका दिया वर्गीकरण तथा सारणीयम में आपको अंतर बताना है, चौथा आपका दिया अपकिरण के आपको कोई चार उद्देश्य बताना है। इसके साथ अगला देख लीजिएगा पांचवा आपका, ये हमारा पांचवा छठा हो जाएगा ठीक है। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए कोई चार, आपको चार क्वेश्चन के जवाब देना है, जैसे कि हमारा पहला दिया है रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध में आपको अंतर बताना है, और दूसरा आपका दिया अपकिरण ज्ञात करने की आपको दो रीतियां बताना है, और सिंपल सा आपका तीसरा देख लीजिएगा, और चौथा आपका दिया है मध्यिका की आपको गणना करना है, और आपका पांचवा दिया है अर्थशास्त्र की आपको सीमाओं की संक्षिप्त व्याख्या करना है, और छठा आपका दिया मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा आपको क्या समानता आपको बताना है, और सातवा आपका देख लिया मिश्रित दंड चित्रों के प्रकार आपको बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा ग्यारहवीं का अर्थशास्त्र और इंग्लिश में बोलो तो इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 80 में से 80 अंक लेकर आ जाएंगे ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।